10 नवंबर 2022 का वो दिन जब एडिलेड में भारत को इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था और उस वक्त कप्तान रोहित शर्मा ही थे। इंग्लैंड से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान जैसी खच्चर टीम तक ने भारत का मजाक उड़ाया था। दिल में एक कसक थी जो अब इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदने के बाद पूरी हो चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इस बार भी कप्तान रोहित शर्मा ही थे, और हमने इसमें एक बात और देखी कि रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सामने आई तो भैया ने मार मार के भूत बना दिया, क्योंकि इन दोनों ही टीमों के कारण हमें वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रहे थे। लेकिन अब सबका बदला पूरा हो चुका है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कल के मैच का हाल और जीत के बाद कैसे रोहित शर्मा इमोशनल हो गए वो भी बताएंगे। स्वागत आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। देखिए साहब, कल का मैच इतना शानदार और जानदार हुआ था कि कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। भारत भले ही टॉस हार गया था और पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, लेकिन रोहित शर्मा ने साफ कह दिया था कि हम टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही करते। तो यहाँ तो रोहित भैया ने अपनी फिरकी घुमा दी थी। फिर क्या था, बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने जबरदस्त खेल खेलते हुए बोर्ड पर 171 रन ठोक दिए थे, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का था। और ये स्कोर उस ग्राउंड पर बेहतरीन है क्योंकि बारिश के बाद वहां गेंदबाजों को उछाल नहीं मिल रही थी, बॉल रुककर भी आ रही थी, और तो और स्पिनर्स को काफी घुमाव भी मिल रहा था, तो 171 रन काफी थे। अब बैटिंग करने इंग्लैंड की टीम उतरती है। शुरू में तो बटलर और सॉल्ट ऐसा खेल रहे थे जिससे लग रहा था कि कहीं भैया फिर से 10 नवंबर 2022 का वाला सीन ना हो जाए। लेकिन अपने अक्षर भाई और कुलदीप भैया के सामने कोई बोल सकता है क्या? इनकी फिरकी के सामने इंग्लैंड ने हाथ खड़े कर दिए, या कहिए सरेंडर कर दिया। एक के बाद एक विकेटों की झड़ी लग गई और मैच भारत की झोली में आ गिरी। तो इस तरह भारत ने अंग्रेजों से सूद समेत लगान वसूल किया। खैर, मैच के बाद एक और ऐसा पल देखने को मिला जिससे सभी भारतीय क्रिकेट फैंस भी इमोशनल हो सकते हैं। दरअसल लगातार सेमीफाइनल और फाइनल में हारने के बाद एक बार फिर से रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को फाइनल खेलने का मौका मिल रहा है। दरअसल मैच के बाद रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वीडियो ड्रेसिंग रूम के बाहर का है। इसमें वो बाहर कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। भारत की जीत के बाद सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी बीच रोहित को देखकर कोहली ने उनको शाबाशी दी, और कोहली के पहुंचने से पहले ही रोहित शर्मा अपना सिर झुकाकर हाथ से आंखों को पोंछते हुए दिखे। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया की खुशी से इतना खुश हो गए कि वो थोड़े इमोशनल हो गए थे। वैसे इमोशनल होना तो बनता है, इतनी मेहनत के बाद भारत एक बार फिर से फाइनल में पहुंचा है। खैर, अब कल यानी 29 को फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जो कि काफ़ी जानदार होने की उम्मीद है। तो अब हम सभी भारतीय क्रिकेट फैंस को यही उम्मीद है कि कल भारत वो मैच खेले और शानदार तरीके से जीते और वर्ल्ड कप भारत वापस लेके आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।